मैं जैसे कहता हूँ कि ही इज़ द यंगेस्ट एंड ही इज़ द डम्बेस्ट तो वो पंजाबी फिल्मों का स्ट्रगलिंग एक्टर है फैंसी गिल नाम है उसका और कपड़े भी वैसी फैंसी किस्म के पहनता है और उसकी ये समझ है अंडरस्टैंडिंग है और ये दृढ़ विश्वास है कि वो यहाँ के लिए हिंदुस्तानी फिल्मों के लिए बनाई नहीं है वो हॉलीवुड के लिए ही पैदा हुआ है और बस एक मौके की तलाश में है और वो भी कोई वो नहीं जाएगा कोई उसे स्पॉट करेगा और बोलेगा कि ये बंदा है यार ये चाहिए इसे ले जाओ सो बस वो उस ताक में है उस फिराक में रुका हुआ है और उसका एक जो उसका साथी है वो एक छोटा मिनी पॉम कुत्ता जिसका नाम है शेंकी जिसके बिना वो कहीं आता जाता नहीं है शूटिंग पे भी वो शैंकी को ले जाता है सो so, uh, वैसे किस्म का एक पागल भाई है वो बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो uh, जैसे मैंने कहा कि अपने आप को समझता है कि हॉलीवुड के लिए बनाया तो हर किसी को ज्ञान देता फिरता रहता है शूटिंग पे भी और अदरवाइज भी बट uh, है कंप्लीटली डम्ब तो आ, काफी सारी मतलब कॉमेडी वैसे भी जनरेट होती है कि बोलना कोई कुछ और कुछ और और चाह रहा है भाई साहब अपनी ट्रिप में समझ रहे हैं सो so, वैसा किस्म का एक एक्टर एक एक तो सर तो सर थैंक यू वेरी मच तो मेरे तो स्टार बनने के भी मेरे में क्वालिटीज है आ, मतलब आप हॉलीवुड जाओगे रागिनी जी के साथ मैं वही तो बोल रहा हूँ उनको मिलने का देखने का तो मौका ही नहीं मिलता था हमें क्योंकि ये भाई साहब इतने पॉजिटिव हो गए थे कि गुस्सा हो जाते थे दो दो बात पे तो हमने और ओम जी ने फिर हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है सर हम लोग राकेश जी से कहा अमरिक से कहा कि यार हमारे सीन सेपरेट आप अलग से शूट कर लो और इनकी आप अलग से शूट कर लो तो अब तो फिल्म में ही देखूंगा मैं अगर कुछ हम लोग साथ में दिखाई भी दे रहे कि नहीं जैसे सर ने कहा एक्सपेक्टेशन तो जाहिर सी बात है कि बहुत होती है और होनी भी चाहिए इतनी मेहनत की है इतना अच्छा काम सभी ने किया है सो आ, ऐसा लगता है कि हर फिल्म के साथ जब रिलीज़ हो तो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए रिपीट ऑडियंस हो बार बार देखे सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो जाए आ, तो वेर कीपिंग आ फिंगर्स क्रॉस्ट हमने अपनी तरफ से कोशिश की है अल्लाह मालिक और ऑडियंस मालिक वो बेहतर जाने हमसे बट यही चाहते हैं कि आ, आ, एक बार आके देख ले और अगर अच्छी लगे तो और दोस्तों से भी कहे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करे और फिल्म को ब्लॉकबस्टर बना दे